हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आलोक पटेल है और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ करियर एरा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के बारे में, जो कि आई है IREL इंडिया लिमिटेड से। IREL इंडिया लिमिटेड से, और ये IREL एक मिनी रत्ना फेसूस कंपनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से पोस्ट रहने वाले हैं। तो जो पोस्ट हैं हमारे पास, वो है टोटल 5 तरह की वैकेंसी आई हुई है। पहली जो वैकेंसी है वो है ग्रेजुएट ट्रेनिंग फाइनेंस की, जो टोटल 3 पोस्ट हैं इसके। और दूसरा है ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR की, जिसके टोटल 4 पोस्ट हैं। और थर्ड है डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल ब्रांच मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और केमिकल की, जिसकी टोटल 37 पोस्ट हैं। और फोर्थ है ट्रेनिंग जियोलॉजिस्ट की, जिसकी टोटल पोस्ट हैं 8 पोस्ट है, ट्रेनिंग जियोलॉजिस्ट या पेट्रोलॉजिस्ट की। और लास्ट में ट्रेनिंग केमिस्ट की भी पोस्ट आई हुई है, जो टोटल कितने पोस्ट है इसमें, 4 पोस्ट हैं। इन सभी पोस्ट के लिए जो पर्सन क्वालिफाई होगा, यानी कि जो सेलेक्ट होगा एग्ज़ाम के बाद, उसकी 1 साल की ट्रेनिंग रहने वाली है, 1 ईयर की ट्रेनिंग होने वाली है। और इस 1 ईयर की ट्रेनिंग में उसे टोटल मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि 37,200 पर मंथ होगा। साथ में एकोमोडेशन अगर मिलेगा, या एकोमोडेशन अगर नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसे HRA उसकी जगह दिया जाएगा। और अगर बात करें हम सैलरी की, मतलब कि परमानेंट होने के बाद, परमानेंट वही होगा जो कि 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा सक्सेसफुली। तो जब परमानेंट पोस्ट हो जाएगा, तो उसमें S1 ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको 25,000 से लेके 68,000 तक की सैलरी मिलेगी, ठीक है। और पोस्ट होगा जो इसमें, जो पोस्ट मिलेगी ट्रेनिंग के बाद, वो पोस्ट होगा जूनियर सुपरवाइजर की पोस्ट मिलेगी, सुपरवाइजर की पोस्ट होगी, ठीक है। और अगर बात करें मैक्सिमम एज की, तो मैक्सिमम एज इन सभी वैकेंसियों के लिए, जो 5 वैकेंसी आई है उनके लिए 26 ईयर रहने वाली एज है। यानी कि 26 ईयर्स के ऊपर जो होंगे वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और अगर बात करें रिजर्वेशन की, यानी कि हम सीट की डिवीजन की बात करें, तो UR में टोटल सीट है, तो UR के लिए 22 सीट है, EWS के लिए 6 सीट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 15 सीट दिया गया है, SC के लिए 9 और ST के लिए 4, और PWD के लिए टोटल 2 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, रिजर्व की गई है। अगर हम बात करें वैकेंसीज के क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, तो क्वालिफिकेशन के लिए रहने वाला है ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए, ग्रेजुएट ट्रेनिंग फिनेंस के लिए ग्रेजुएट इन कॉमर्स होना मस्ट है, और ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR के लिए ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है, और डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए, डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट के लिए 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें, अगर सिविल ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 3 ईयर्स का डिप्लोमा इन सिविल होना चाहिए। मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, और इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3 ईयर्स डिप्लोमा इन केमिकल होना चाहिए। नेक्स्ट जो है जियोलॉजिस्ट या पेट्रोलॉजिस्ट के लिए, अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएशन किसमें होना चाहिए, जियोलॉजी का होना चाहिए या अप्लाइड जियोलॉजी में ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही में एक कंडीशन दिया गया है कि जो मेजर सब्जेक्ट होगा इन ग्रेजुएशन में, वो जियोलॉजी या केमिस्ट्री का होना चाहिए। सबसे लास्ट जो पोस्ट है केमिस्ट की, जो पोस्ट है इसमें भी 3 ईयर्स की डिप्लोमा मांगी गई है, जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होगा या ग्रेजुएट इन साइंस होना चाहिए कैंडिडेट को। और इसमें भी एक कंडीशन दिया, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए इस डिप्लोमा इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन इन ग्रेजुएट इन साइंस में। अब अगर हम बात करें कि किसी भी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की बात करें, तो यहाँ पे दिया हुआ सीधे सीधे
कोई भी एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए। और अगर हम इसके बाद देखें कि क्या परसेंटेज होना चाहिए क्वालिफिकेशन का, तो परसेंटेज होना चाहिए 60% होना चाहिए जो पोस्ट है उनमें। कितना पाना होना चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए, जनरल और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 60% मार्क्स हो या 60% से ज़्यादा मार्क्स हो तभी अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह एससी एसटी के लिए 50% मार्क्स हो या 50% से ज़्यादा मार्क्स हो तो इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इसमें अगर कोई कैंडिडेट है वो केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करेगा। अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के अप्लाई करता है कोई तो उसकी एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है आपका एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है। एज रिलैक्सेशन जो होता है वो इसमें एज पर गवर्नमेंट रूल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। इसमें टोटल जो एग्ज़ाम होगा वो दो स्टेज में होगा, ठीक है। कितने स्टेज में होने वाला है, दो स्टेज में होने वाला है। पहला जो स्टेज है वो रिटेन टेस्ट होगा और जो सेकेंड स्टेज है वो स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट ऑब्लिक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट रहने वाला है। अब बात करें अगर हम रिटेन टेस्ट की, तो रिटेन टेस्ट में क्वेश्चन जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी बाईलैंग्वेज में रहेगा, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। और अगर बात करें पेपर कैसे रहने वाला है, तो जो पहला जो मोड है, पहला स्टेज है रिटेन टेस्ट, रिटेन टेस्ट में क्या होगा कि रिटेन टेस्ट को भी टू सेक्शन में डिवाइड किया गया है, मतलब टू पेपर में डिवाइड किया गया है, जो कि दोनों मिलाकर 2 आवर्स के लिए ये एग्ज़ाम होगा वन सिटिंग में। और इन दो सेक्शन में पहला जो सेक्शन है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव मीन्स MCQ रहेंगे, ठीक है, जो कि डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। डिसिप्लिन रिलेटेड मतलब कि अगर जियोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो तो जियोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट रहेंगे। अगर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किए हैं आपने तो डिप्लोमा से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। बात करें हम सेकेंड सेक्शन की बात करें इसमें रिटन टेस्ट के, तो उसमें जो होगा 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, यानी कि MCQ रहने वाले हैं। और वो क्वेश्चंस आएंगे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज होगा यानी कि GK रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा उसमें, उसके बाद रीजनिंग रहने वाली है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी और जनरल इंग्लिश के भी क्वेश्चन उसमें देखने को हमको मिल सकते हैं। एक बात और, जो सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम है मतलब कि जो स्किल टेस्ट है उसमें क्या होगा, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। जो सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम है वो कैसा रहने वाला है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम रहने वाला है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम के लिए जो होगी वो 50% होना चाहिए ईच पेपर से, और SC ST के लिए 35% अगर कोई पर्सन पाता है तो वो मेरिट की लिस्ट में मतलब कि उसको काउंट किया जाएगा, अदरवाइज वो फेल माना जाएगा। अगर हम फीस की बात करें तो फीस जो रहने वाला है वो जनरल OBC और EWS के लिए 500 फीस रहने वाला है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और फीमेल और SC ST और PWD के लिए और ESM के लिए कोई भी फी नहीं अप्लाई होगा, मतलब कि ये विदाउट फी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक बात और जानना है कि जो पहला स्टेज क्वालिफाई करेगा उसी को सेकंड स्टेज में बुलाया जाएगा, मतलब कि अगर सपोज करिए CBT टेस्ट जो है उसमें जो क्वालिफाई करता है वो सेकंड लेवल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और उनका रेशियो जो होगा वो कैसा होगा, 1:5 फॉलोइंग रिजर्वेशन के नाम से होगा। अब अगर बात करें इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले हैं, वो स्टार्टिंग में ही दिया गया है नोटिफिकेशन में, जो यानी कि फॉर्म कब से अप्लाई करना होगा। फॉर्म जो ओपन होगा वो होगा 30 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा
और लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन अप्लीकेशन और ऑफ अप्लीकेशन और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट का जो डेट रहने वाला है वो 14 नवंबर को रहने वाला है। और इस फॉर्म को जो अप्लाई करना चाहते हैं वो www.irel.co.in पर जाकर इसके कैरियर सेक्शन में आप अप्लाई फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।